हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग फ्रेंड्स। तो बताइए कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स। मैं हूं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज आए हैं मेरे मम्मी और मेरे दोनों भतीजू। ये देखिए, ये बराबर लगते हैं दोनों। जो छोटे वाला है वो बड़ा लगता है और बड़े वाला छोटा लगता है। तो इनकी मस्ती यहाँ पर चल रही थी, अभी ये आकर पहुँचे हैं। तो इनकी मस्ती की मैं वीडियो बना रही थी और साथ में हम लोग बैठे बातचीत कर रहे हैं। और मम्मी बहुत टाइम बाद यहाँ पे आए हैं, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं लग रहा था जाने का, तो इसलिए मम्मी खुद ही आ गए। और बच्चों को उन्होंने कपड़े वगैरह भी लेने थे, सामान लेना था थोड़ा सा, तो यहाँ पे मार्केट नज़दीक है, तो इसलिए वो इनको लेकर आ गए। और देखिए कैसे लड़ रहे हैं दोनों, और बहुत ज़्यादा लड़ते हैं दोनों, क्योंकि बराबर है दोनों, इसलिए दोनों की लड़ाई एकदम बराबरी पर रहती है। और फ्रेंड्स अभी एक 4 साल का है और एक 3 साल का है, तो ये दोनों मम्मी के पास रह जाते हैं। अपनी मम्मी को तो बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं, अपनी आमा के पास ही रहते हैं दोनों। और देखिए मम्मी भी दो दो बैग उठा के और दोनों बच्चों को लेके और बस में पता नहीं किस तरह से यहाँ पहुँचे बड़ी मुश्किल से। तो मम्मी को भी इनको छोड़ने का मन नहीं करता, ये भी सोचते हैं कि मैं इनको साथ ही रखूँ जहाँ भी जाऊँ। इनको भी बहुत प्यारे हैं और बच्चों को भी आमा ही प्यारी है, ये भी मम्मी को बिल्कुल याद नहीं करते हैं, मम्मी पापा दोनों को। तो ये देखिए कैसे मस्त है, इनको कोई टेंशन नहीं है कि हम कहाँ आए हैं या हमारी मम्मी कहाँ है, कोई टेंशन नहीं है। तो कहते हैं ना कि बच्चों को जहाँ प्यार मिलता है बच्चे वहीं के हो जाते हैं, तो बच्चों को आमा से ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो इसलिए ये आमा को ही ज़्यादा पसंद करते हैं, आमा के पास ही रहना चाहते हैं और आमा के साथ ही जाते हैं। और अगर आमा कहीं जाए तो रोने लग जाते हैं पीछे से, तो इनको आमा ज़रूर चाहिए होती है, मम्मी मिले ना मिले। अरे मम्मी जब इनको लेके आ रहे थे बस में रास्ते में, तो सभी पूछ रहे थे कि ये दोनों ट्विंस हैं, बट ये ट्विंस नहीं है, इनमें 8-9 महीने का फ़र्क है दोनों में, बट ये बराबर लगते हैं। जो छोटे वाला है वो बड़ा लगता है और बड़े वाला छोटा लगता है। देखिए आप लोगों को भी ट्विंस ही लग रहे होंगे। और यहाँ पर दौड़ते हुए ऐसे गाली लगा था देना, तब मैं खराब हूँ मम्मा, तब हूँ वो ये बच्चा खराब है। तू कितना खराब है, बहुत तू छुच्ची। नहीं मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, खराब तो लग, खराब तो लग नहीं रहा है मेरे को। फ्रेंड्स मैं बहुत दिनों से कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो फ़ोन उनके पास होता है। और दूसरी बात ये है कि आजकल मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, बहुत इरिटेशन होती है और दर्द भी होता है, तो इस वजह से मैं ना तो किसी की वीडियो पे जा पाती हूँ और वीडियो एडिट करने में भी टाइम लगता है और ध्यान से वीडियो को देखना पड़ता है, तो मेरी आंखें बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। तो इस वजह से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया इतने दिनों से। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगी कि मेरा डेली ब्लॉग फिर से शुरू हो सके। फ्रेंड्स कई बार कुछ लोग बिना वीडियो देखे ही कमेंट कर देते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पूरा वीडियो वॉच करने के बाद ही कमेंट करें। और अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख पाते तो जितना आपने देखा है उसी पर कमेंट करें, कोई ऐसा कमेंट ना करें जिससे ये पता चल जाए कि आपने वीडियो देखा ही नहीं है। बिना वीडियो देखे आप कमेंट कर देते हो तो वो कमेंट वीडियो से मैच नहीं होता है और पता चल जाता है कि आप लोगों ने बिना वीडियो देखे ही कमेंट कर दिया है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। जब आप बिना वीडियो देखे कमेंट करते हो तो हमारी वीडियो का इम्प्रेशन डाउन चला जाता है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो वॉच नहीं कर पाते
तो प्लीज़ कमेंट भी ना करें, और अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो वीडियो देखें और उसके बाद ही कमेंट करें। तो फ्रेंड्स इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप कमेंट ना भी करें तो चलेगा, बट अगर आप गलत कमेंट करते हैं तो हमारी वीडियो का इम्प्रेशन डाउन जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही गलत बात है। तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल मत करें। फ्रेंड्स जो भी मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं और मुझे फुल सपोर्ट करते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन लोगों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों की वजह से ही हमें वीडियो अच्छी से अच्छी बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। जब आप लोगों के कमेंट आते हैं, आप लोगों के लाइक हमें मिलते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हमारी वीडियो अच्छी है और हमें इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाकर आप तक पहुँचानी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जो लोग दिल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनका एक बार फिर से धन्यवाद करूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उन लोगों की हर इच्छा पूरी हो। और फ्रेंड्स ऐसा होता भी है, जो सच्चे दिल से दूसरों का भला चाहते हैं उनका भला भगवान खुद करते हैं, और उनको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए भगवान के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। मान देनी नहीं, मैं दे लो दूध पीना, तुमने पीना नहीं है दूध, अभी दे ये रख देना है, मैं भाग जाऊंगा, मैं पीना नहीं, थोड़ा सा दूध पीना, मैं पीना नहीं पीना, चार 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 तभी तभी वो रोटी 2 बजे खाई रखे तब ठीक होना तब किसका मामू? ओ मैंने करा था पूरा, पहले तोड़ना नहीं है मामू। हाँ जी।